गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ME 309 में एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे आज। फाइंड द वेल्डिंग मटेरियल कॉस्ट फॉर मेकिंग अ रेक्टेंगुलर फ्रेम फॉर अ गेट ऑफ 2x1 meter फ्रॉम एंगल आयरन ऑफ साइज 30x30x5 mm। एज्यूम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको एक रेक्टेंगुलर एक गेट है, उसके लिए आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम बनानी है। उस गेट की साइज क्या दे रखी है, 2x1 meter, यानी इसकी हाइट हो जाएगी 2 meter और विड्थ हो जाएगी इसकी 1 meter। अब इसके लिए जो एंगल आयरन, ठीक है, एंगल आयरन ले रहे हैं उसकी साइज है 30x30x5, यानी ये जो एंगल आयरन की साइज है वो क्या हो जाएगी 30, एक डायमेंशन 30 हो गया, दूसरा 30 हो गया डायमेंशन, और इसकी जो थिकनेस हो गई है वो क्या हो जाएगी, टी जो हो जाएगी आपकी 5 mm। इससे हमको ये रेक्टेंगुलर फ्रेम बनानी है। एज्यूम द फॉलोइंग डेटा। O2 कंजप्शन 0.4 m³/h विच इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ ₹10/m³। C2H2 कंजप्शन मीन्स एसिटिलीन कंजप्शन दे रखा है और इसकी रेट दे रखी है। वेल्डिंग स्पीड इज 4 m/h। लेंथ ऑफ फिलर रॉड ऑफ डायामीटर 2.5 mm, यानी फिलर रॉड का डायर 2.5 mm है, उसके लिए लेंथ कितनी है 3.4 m/m ऑफ वेल्डिंग। फिलर रॉड मटेरियल कॉस्ट ₹13/kg। वेल्डिंग इज टू बी डन ऑन बोथ साइड्स। अब हमें टेबल से कुछ भी डेटा लेने की नीड नहीं है, सारे डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस फ्रेम को बनाए, इस फ्रेम को हम एज ए जो फोटो फ्रेम्स होती है आपकी, उसके हिसाब से हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक एंगल आयरन है उससे आपको ये फ्रेम बनानी है। तो जो वेल्डिंग है वो दोनों साइड में होगी, मीन्स जो फ्रंट साइड में और बैक साइड में। तो हम जब दो एंगल आयरन को जॉइन करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हम एक से आपके ये दो एंगल आयरन आपके यहाँ से जुड़ेंगे, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पहले कट करेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगी, ये वेल्डिंग होगी। तो ये पोर्शन में यहाँ पर ये क्या हो रही है, वेल्डिंग। देन सेम टू सेम क्या होगा, बैक साइड में। अब इसका जो साइड व्यू होगा, यानी इसके जो साइड व्यू में जो दो पार्ट जुड़ेंगे, तो आपको यहाँ पर भी क्या होगा, ये वेल्डिंग दिखेगी। तो AB और AC क्या हो गए आपकी, ये वेल्डिंग एरिया। ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम वेल्डिंग की टोटल लेंथ निकालेंगे कि कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर में हमें वेल्डिंग करनी है, तो ये साइज होगी आपकी 30 mm और ये भी 30 mm। अब अगर हम इसको बराबर सेंटर में कट करके अगर इसको वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 degree। अब अगर ये एंगल 45 है, इसको हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें आपकी ये साइड ये हो गया A, ये B, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एंगल कितना है 45, ये साइज आपकी जो है वो कितनी है 30, क्लियर। हमें क्या चाहिए, AB की साइज चाहिए। तो थीटा के सामने वाला एंगल तो हमें यहाँ पे कौन सा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, साइन। तो साइन 45 विल बी इक्वल्स टू 30/AB, क्योंकि इसके सामने जो ये लंब है वो कितना है 30, और जो ये कर्ण है ये कितना हो गया आपका AB, तो 30/AB। तो यहाँ से हमें AB की साइज मिल जाएगी, तो AB हमारे पास आ गया 42.4 mm। AC कितना होगा, इसका साइड व्यू है, साइड व्यू में क्या होगा, इसकी विड्थ दिखेगी आपको एंगल आयरन की, वो कितनी है 30 mm। तो एक कॉर्नर, ये हम कह सकते हैं कि एक कॉर्नर का डायमेंशन वेल्डिंग के लिए लेंथ कितनी हो गई आपकी 42.4 + 30। तो यहाँ हम देखेंगे लेंथ ऑफ वेल्डिंग ऑन वन कॉर्नर ऑन वन साइड, एक साइड में एक कॉर्नर के लिए वेल्डिंग लेंथ हो गई आपकी 42.4 + 30, 72.4 mm या 7.24 cm। अब ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं आपके, चार कॉर्नर्स, तो 1, 2, 3, 4। वन कॉर्नर के लिए जो लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, लेंथ ऑफ वेल्डिंग एरिया ऑन वन साइड ऑफ फ्रेम, यानी चारों कॉर्नर की लेंथ को हम ऐड कर देंगे वेल्डिंग लेंथ को, तो एक साइड के आपकी वेल्डिंग लेंथ आ जाएगी। अब वेल्डिंग चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों साइड्स करनी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो दोनों साइड के लिए आ जाएगी।
लेंथ ऑफ वेल्डिंग ऑन ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑन वन साइड क्या हो जाएगा 7.24 इंटू फोर. लेंथ ऑफ वेल्डिंग ऑन ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑन बोथ साइड्स अंदर और बाहर दोनों साइड्स के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2. तो 57.92 सेंटीमीटर या 0.5792 मीटर क्या हो जाएगी आपकी वेल्डिंग लेंथ. अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख लेंगे 0.58 मीटर. अब प्रोसीजर वही रहेगा, ये सब हमने किस लिए किया है, वेल्डिंग लेंथ निकालने के लिए. तो वेल्डिंग स्पीड क्या है आपकी, क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेल्डिंग टाइम. अब हम इसको रिवर्स में देखें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि 4 मीटर वेल्डिंग एरिया के लिए टाइम कितना चाहिए, 1 आवर, या फिर 1 आवर में कितना वेल्डिंग एरिया वेल्ड हो रहा है, 4 मीटर. ठीक है, तो 4 मीटर के लिए जो वेल्डिंग एरिया के लिए टाइम चाहिए आपको 1 आवर. तो इसीलिए 0.58 के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 0.58. तो ये देखिए आपके पास ये आएगा 0.58/4 मींस 0.145 आवर. इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 60 करके तो 8.7 मिनट आपके पास आ गया वेल्डिंग टाइम. अब ऑक्सीजन वेल्डिंग टाइम हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि जब हम कॉस्ट निकालेंगे ऑक्सीजन एसिटिलिन इनकी तो हमें जो कंजप्शन दे रखा था पर आवर में, तो इसके लिए हमें वेल्डिंग टाइम निकालना कंपलसरी है. तो ऑक्सीजन कंजप्शन है 0.4 मीटर क्यूब पर आवर, यानी 1 आवर में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, 0.4 मीटर क्यूब. तो इतने यानी 0.145 आवर में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.145, तो हो जाएगा 0.058 मीटर क्यूब. अब ऑक्सीजन की कॉस्ट है ₹10 पर मीटर क्यूब. तो 10 यानी 1 मीटर क्यूब के लिए रेट है ₹10, तो इतने मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.058, तो ₹0.58 आपके पास आ गई वेल्डिंग की कॉस्ट. इसी तरह एसिटिलिन की कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले एसिटिलिन का कंजप्शन आपको दे रखा है 0.4 मीटर क्यूब पर आवर, तो सेम इसी तरीके से इसका कंजप्शन हम मीटर क्यूब में निकालेंगे 0.058 मीटर क्यूब. अब इसकी जो रेट है वो अलग दे रखी है. तो कॉस्ट ऑफ C2H2 क्या है 50 पर मीटर क्यूब, तो 50 इंटू 0.058 ये आ जाएगा आपके पास ₹2.90. अब लास्ट है कॉस्ट ऑफ फिलर मेटल. तो फिलर रॉड का डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 mm, और लेंथ ऑफ फिलर रॉड कितनी है 3.4 मीटर पर मीटर ऑफ वेल्डिंग. तो इस डायमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया आपके पास डी. अब एल कैसे निकालेंगे, 1 मीटर वेल्डिंग लेंथ के लिए फिलर रॉड आपको कितनी रिक्वायर्ड है 3.4 मीटर. हमें कितने मीटर वेल्डिंग एरिया है हमारे पास 0.58, तो 0.58 के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.58, तो ये आपके पास आ गया 1.972 मीटर. इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 197.2, तो ये आ गई लेंथ. सेम हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम से हम वेट निकालेंगे. तो वॉल्यूम इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन का हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल. डी हमारे पास है, एल हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे तो 9.68 सेंटीमीटर क्यूब आएगा. अब डेंसिटी इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो हम कास्ट आयरन की जो डेंसिटी लेते हैं 7 ग्राम पर cc, उसी को हम फिलर मटेरियल की भी डेंसिटी एज्यूम कर लेंगे. तो एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ फिलर मेटल है 7 ग्राम पर cc. जब क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो आप 7 ग्राम पर cc उसको एज्यूम कर ले. तो वेट क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 9.68 इंटू 7, तो 67.76 ग्राम. इसको हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.068 kg. कॉस्ट ऑफ फिलर रॉड बिकॉज kg में दे रखी है पर kg में, तो 1 kg के लिए रेट है आपकी ₹13, तो 0.068 के लिए क्या आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 0.068, तो ₹0.88. अब टोटल वेल्डिंग मटेरियल कॉस्ट क्या आ जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे ऑक्सीजन एसिटिलिन प्लस फिलर रॉड, तो ₹4.36 विल बी द टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर रेक्टेंगुलर फ्रेम. Thank you.